छाया नगरी में काला घोड़ा आर्ट फेस्टिवल शुरू हो चुका है और इस बार की खास बात यह है कि इस बार कई स्टेट से कई सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। अगर बात करूं हरियाणा की तो हरियाणा की जूतियां इस काला घोड़ा आर्ट फेस्टिवल की शान बनाए हुए हैं। वहीं उड़ीसा की संबलपुरी साड़ी भी यहां की रौनक बनी हुई है। अगर बात करूं तमिलनाडु की तो तमिलनाडु की कई सारी ज्वेलरी की शॉप भी आपको यहां पे देखने को मिलेंगी। तो आइए देखते हैं कि इस बार किस स्टेट से कौन कौन सी चीज़ें इस काला घोड़ा फेस्टिवल में आई हैं और किस तरीके के लोग इस बार कई सारी चीज़ें खरीद रहे हैं। सबसे पहले मैं खड़ा हूँ राजस्थान की लेदर जूतियों वाली शॉप पर। यहाँ पे आपको देख सकते हैं कि कई सारी जूतियों के यहाँ पे आपको यूनिक डिज़ाइन आपको देखने को मिलेंगे और ये सारी जो डिज़ाइन है वो 500 से लेकर के 550 रुपीस तक की हैं। यहाँ पे आपको लड़कियों की जूते ही मिलेंगी और लड़कों के जूते भी आपको देखने को मिलेंगे। ऐसे आप ऊपर देख भी सकते हैं कि जो लड़के के जूते हैं वो सारे लेदर के बने हुए हैं। इधर आप देखेंगे कि कुछ ज्वेलरी की चीज़ें भी आपको देखने को मिलेंगी, जैसे इयररिंग्स हैं यहाँ पे, नेकलेस है और कुछ कड़े वगैरह हैं जो राजस्थान में काफ़ी फेमस हैं। राजस्थानी कल्चर को काफ़ी वो अच्छे से कवर करते हैं, तो ये सब चीज़ें भी आपको देखने को मिलेंगी। इसके साथ ही यहाँ पे एक दूसरी शॉप है जो उड़ीसा की काफ़ी फेमस शॉप है, जो वहाँ पे आपको संबलपुरी साड़ियाँ देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि संबलपुरी साड़ी जो है उसे कई सारे यूनिक डिज़ाइन आपको देखने को मिलेंगे और ये सारी जो डिज़ाइन है, ये सारी साड़ियाँ हैं वो यहाँ पे आपको 5,000 से स्टार्ट होती हैं और 60-70,000 तक जाती हैं। और ये जो यूनिक साड़ियाँ होती हैं संबलपुरी साड़ियाँ, ये पहनने में काफ़ी कम्फर्टेबल होती हैं, लड़कियाँ काफ़ी अच्छे से इन्हें कैरी कर पाती हैं। तो अभी हम आए हैं महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश की एक शॉप पर। यहाँ पे आपको कई तरीके की सिल्वर वाली जो ज्वेलरीज होती हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको इयररिंग से लेकर के जो नोज पिन होती हैं, नथनी होती हैं, वो भी आपको देखने को मिलेंगी और ये सारी सिल्वर होती हैं। और ये जो डिज़ाइन की हैं वो ये खुद इन्होंने, जो दुकानदार हैं, जो उनके शॉपकीपर हैं, उन्होंने खुद डिज़ाइन की हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे साइड में ही आंध्रा की कुछ साड़ियों की स्टॉल भी लगी हुई है और काफ़ी डिफरेंट टाइप की जो हैंडलूम साड़ियाँ हैं। तो बात करते हैं इनसे कि किस तरीके की साड़ियाँ बनाई जाती हैं। तो मैम, किस तरीके की साड़ियाँ बनाई जाती हैं? हेलो, सो हम हैं कलानिका और हम बनाते हैं उप्पाड़ा, जो छोटी सी विलेज है आंध्रा में, वहाँ से हम हाथ से, मतलब हमारे जो वीवर्स है हाथ से हर एक साड़ी बनाते हैं। हमारे वीवर्स के फोटोज़ भी यहाँ पे है और ये है मेरी बहन काव्या और मैं रम्या। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा जो स्पेशलिटी है उप्पाड़ा जामदानी साड़ीज, हर एक साड़ी जो है टेक्स अबाउट एटलीस्ट 200-600 आवर्स वन साड़ी टू मेक। तो ये सब साड़ीज जो हम बनाते हैं इट्स ऑल हैंडमेड। इनकी कीमत क्या होती है? तो जैसे कि स्टार्टिंग रेंज जो है इट्स अबाउट 6,500 ऑनवर्ड्स द प्लेन साड़ीज, पर जो उप्पाड़ा जामदानी है जिसका GI टैग भी है इट स्टार्ट्स फ्रॉम 30,000। तो देख सकते हैं यहाँ पे उप्पाड़ा की यानी आंध्र प्रदेश की जो फेमस साड़ियाँ हैं और इनमें काफ़ी वक्त भी लगता है बनाने में, ये आसानी से नहीं बनती हैं। तो ये सब चीज़ें आपको काला घोड़ा आर्ट फेस्टिवल में आपको देखने को मिल सकती हैं और ये जो फेस्टिवल है वो 28 जनवरी तक चलने वाला है। तो अगर आप चाहते हैं यहाँ पर तमाम तरीके की चीज़ें खरीदना, अपने घर को डेकोरेट करना, अच्छी अच्छी साड़ियाँ खरीदना, इयररिंग्स खरीदना, तो आप काला घोड़ा के आर्ट फेस्टिवल में आ सकते हैं और यहाँ पर आपको मज़ेदार चीज़ें मिलेंगी।